हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग का जो पे ऐप होता है। दोस्तों आपको पता होगा सैमसंग का एक पे ऐप होता है, उसके अंदर एक नया अपडेट आया और कमाल की वहां पर एक फीचर को अपडेट कर दिया गया है, या फिर बोल सकते हैं वहां पर एड ऑन कर दिया गया है। ये जो अपडेट आया है काफी पहले हो चुका है, बट मैं आपको आज बताने वाला हूँ बहुत ही कमाल का इसमें फीचर को एड ऑन किया गया है। तो दोस्तों वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाके आप देखेंगे ये जो अपडेट है ये यहाँ पर कब आया था, 28 जुलाई को इस अपडेट को यहाँ पर रोल आउट किया गया था, जिसका वर्जन नंबर है 4.9.12, जो कि 152 MB का ये अपडेट आया था। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इस अपडेट में क्या चेंज किया गया था वो मैं बता दूँ। मेन चीज़ यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर अब आप अपना जो कोवैक्सीन वाली जो अपना सर्टिफिकेट होता है ना, या फिर बोल सकते हैं वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट होता है, आप अपने सैमसंग पे में सेव कर सकते हैं और बाद में आप उसको कहीं भी इजीली यूज कर सकते हैं। मतलब कि एक वॉलेट की तरह, जैसा कि आईफोन में होता है, वहां पर बाहर के देश में भी, इंडिया में भी नहीं आया उसमें, वहां पर अगर आप बाहर के देश में तो उसकी कोवैक्सीन का सर्टिफिकेट या बोल सकते हैं वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट वहां पर आप एड ऑन करके रख सकते हैं, जिसको बाद में इजीली आप वहां पर देख सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहां पर सैमसंग पे ने करा है। तो यहां पर मैं कर लेता हूं इसको ओपन। ओपन करने के बाद जब इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहां पर एक नया ऑप्शन दिख रहा होगा, COVID-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ये पहले तो हर जगह, मतलब कुछ कुछ कंट्रीज में आ चुका था और कुछ कुछ कंट्रीज में नहीं आया था, बट फाइनली अब इंडिया में भी इसको रोल आउट कर दिया गया है। यहाँ पर आपको क्या लिखा है, COVID-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, एड वैक्सीनेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेवल सर्टिफिकेट और हैसलेस फ्री सर्टिफिकेट चेक। अब मेरे को यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको कोवैक्सीन पर रजिस्टर्ड है। उसके बाद आपको यहाँ पर गेट ओटीपी पे क्लिक कर लेना है, वो आपको कोविन वैक्सीन पे ले जाएगा और ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी के आने के बाद वो आपके मोबाइल नंबर पर जितने भी वहां पर लिंक होंगे, मतलब जितने भी आपने वैक्सीनेशन को वहां पर कराया होगा उस मोबाइल नंबर के थ्रू, वो सब आपको मिल जाएंगे। तो आपको आपको जिन जिन सर्टिफिकेट को ऐड करना है वो सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेना है और नीचे यहां पर ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे वो सर्टिफिकेट आपका वहां पर ऐड हो जाएगा, जिसको आप इजीली कभी भी बाद में एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते होंगे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एडेड आपको दिख रहा होगा। आप जैसे ही अब इस पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं इस पे क्लिक करूंगा ओके करके, ओके आ गया है, अभी मेरा सर्टिफिकेट यहां पर आ गया। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये दिखेगा, उसके बाद मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये यहां पर पूरी डिटेल यहां पर मुझे दिख जाएगी, जो कि मुझे वहां दिखती है सब की सब यहां पर मुझे यहां पर दिख रहे होंगे। कितने डोज मैंने लगवाए हैं, यहां डोज के भी दिख रहे होंगे, कब कब लगवाए, जो भी आपको कोवैक्सीन पे दिखता है, ये बोल सकते हैं कोवैक्सीन की वेबसाइट पे मिलता है गवर्नमेंट की, सेम आपको यहां पर पूरा तरह अपडेट होके मिल रहा होगा, जो कि डेटा वहीं से फेच करके यहां पर लाया गया है। तो और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और अगर आपको ऐड ऑन करना है तो बैक आएंगे यहाँ पर, ऐड ऑन करके अपने फैमिली मेंबर के भी आपको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर डाल के आपको यहाँ से ओटीपी डालने के बाद वहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं, जिसको बाद में इजीली कहीं भी दिखाना है तो बार बार आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप इजीली ऐसे ही दिखा सकते हैं। तो दोस्तों यही नया अपडेट था सैमसंग पे की तरफ से, जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक भी सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़ दोस्तों, मेरी वीडियो को देखते तो बहुत सारे लोग हैं यार, पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा मत किया करो यार भाई, सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना बोले। तो थैंक यू दोस्तों।